मेरी वजह से तुम्हें जॉब मिली, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, बीमारी की वजह से वो फेल हो गया। तो दोस्तों आज इसी तरह के सेंटेंस हम बनाना इस वीडियो में सीखने वाले हैं, सो लेट्स गो। दोस्तों अक्सर अपनी डेली लाइफ में हम ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से तुम पास हो गए। तो दोस्तों ये मेरी वजह, तुम्हारी वजह और उसकी वजह, इसके लिए दोस्तों जो अंग्रेज़ी में हम फ्रेज लेते हैं वो ये है बिकॉज़ ऑफ। बिकॉज ऑफ के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर। इसमें ही, शी या फिर आई बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आपको बोलना है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, तो आप बोलेंगे आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। अगर आपको बोलना है कि मेरी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ मी यू गॉट द जॉब, बिकॉज ऑफ मी यू गॉट द जॉब। उसे अपने भाई की वजह से इज्जत मिलती है, ही गेट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, ही गेट्स रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर। फ्रेज दोस्तों और भी है जो हम इसी की जगह पे यूज़ करते हैं, वो है ड्यू टू, ड्यू टू। जी दोस्तों, तो जैसे कि अगर आपको बोलना है कि वो बीमारी की वजह से मर गया, तो आप बोलेंगे ही डाइड ड्यू टू इलनेस, ही डाइड ड्यू टू इलनेस। बारिश की वजह से मैं कल नहीं आ पाया, तो आप बोलेंगे ड्यू टू रेन आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ड्यू टू रेन आई कुड नॉट कम यस्टरडे। और दोस्तों अगर आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ हु, या फिर आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, यानी कि किसकी वजह से। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sons are up, girl. I want nobody but you.